कोरोना के कारण जहां कई सेक्टर आर्थिक तौर पर कमजोर हो गए हैं, वहीं अब दिल्ली मेट्रो की वित्तीय व्यवस्था अब चरमराने लगी है। डीएमआरसी ने अपने कर्मचारियों की सैलरी कट करने का ऐलान किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक अगस्त महीने से कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते में 50% कटौती की जाएगी। अगस्त महीने से कर्मचारियों को सुविधाएं और भत्ता बेसिक सैलरी का 15.75% ही मिलेगा। हालांकि कर्मचारी मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस जैसी चीजों का लाभ ले सकेंगे। डीएमआरसी की तरफ से कहा गया है कि मेट्रो सर्विस नहीं चलने की वजह से वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है, लिहाजा इस तरह के फैसले लेने पड़े हैं।